How to be more happy? The question by a viewer. And today, we will be discussing few ways to be more happy in our lives. Namaskar, I am Arushi and I welcome you all here to my channel, Abstract Talks. जैसा कि आप सभी समझ गए हैं, आज के वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश हो सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. First of all, you need to understand that your happiness is completely your responsibility. हमें क्या लगता है, हम दूसरी चीजों से, दूसरे लोगों से अपनी हैप्पीनेस को रिलेट कर देते हैं. हमें लगता है कि कोई इंसान हमें खुश कर सकता है, कोई चीजें हमें खुश कर सकती हैं, कोई प्लेस हमें खुश कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी हैप्पीनेस कम्प्लीटली हमारे अंदर लाई करती है. और हमें ये जानना होगा कि किसी इंसान के किसी कॉम्प्लीमेंट से या कोई इंसान हमारे लिए कुछ कर देता है, उससे जो हैप्पीनेस मिलती है वो केवल थोड़े टाइम के लिए हमारे साथ रह सकती है. लेकिन अगर हमें कम्प्लीटली हैप्पी रहना है, हर सिचुएशन में हैप्पी रहना है, तो हमें अपनी हैप्पीनेस अपने अंदर ढूंढनी होगी. जैसे कि ये फ्लावर, ये अपने आप में कितना सुंदर है, अगर हम इसे अप्रिशिएट करें तब भी ये सुंदर है, और अगर ना करें फिर भी ये सुंदर है. उसी तरह से हम लोग हैं. कभी कभी हमें चाहिए कि हम खुद को अप्रिसिएशन दें, अपनी क्वालिटीज को समझें, बजाय किसी और पर डिपेंडेंट होने के कि कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई हमारी तारीफ करेगा, तभी हम खुश होंगे. हमारी लाइफ में जो हमारी खुशियां हैं वो हम दूसरों के साथ बांट तो सकते हैं, लेकिन दूसरों पर डिपेंड होना कम्प्लीटली अपनी हैप्पीनेस के लिए ये गलत होगा. तो फर्स्ट थिंग हमें समझना होगा कि हमारी हैप्पीनेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना. Second way to be more happy is to spread the happiness. हम जानते हैं कि जो भी चीजें हम दूसरों के साथ बांटते हैं, कहीं ना कहीं वो लौट कर हमारे पास जरूर आती हैं. तो क्यों ना खुशियाँ बांटी जाए ताकि वो लौट कर हमारे पास आए. जरूरी नहीं किसी को खुश करने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा करना होता है. किसी को एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, किसी की एक थोड़ी सी मदद उस इंसान को खुश कर सकती है. और जब हम दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं तो हम खुद भी खुश होते हैं. आप देखेंगे कि किसी की हेल्प करने से आपको कितनी खुशी मिलती है. तो क्यों ना खुशियाँ बांटी जाए ताकि वो लौट कर फिर से हमारे पास आए. द थर्ड वे टू बी मोर हैप्पी इज टू फील ग्रेटफुल, टू शो योर ग्रेटिट्यूड. हम सभी जानते हैं जब हम किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जिनके लिए हम खुश हैं, जिनके लिए हम आभारी हैं कि वो चीजें हमारे पास है. बहुत लोगों के पास वो चीजें नहीं है. लोग उनके लिए इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें वो चीजें दी हैं, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए. और जब हम किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो यकीनन हम उस चीज को पाने पर खुश महसूस करेंगे. हम इस बात के लिए खुश होंगे कि हाँ, हमारे पास ये है और भगवान ने हमें इस काबिल समझा है कि उन्होंने हमें ये चीजें दी. ये तो बात हुई प्रेजेंट की, क्योंकि हम आभार उन्हीं चीजों के लिए व्यक्त करते हैं जो वर्तमान में हमारे साथ हैं. अब बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की. द फोर्थ वे टू बी मोर हैप्पी इज टू विजुअलाइज द थिंग्स व्हिच यू वांट इन योर लाइफ. हमें दिन में एक या दो मिनट का समय निकालकर उन चीजों को होते हुए महसूस करना है जो कि हम करना चाहते हैं. आपको उसके लिए क्या करना है, बस अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप किस तरह का फ्यूचर चाहते हैं. क्योंकि हमारे ब्रेन को एक रियल इवेंट और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना नहीं आता. तो जब आप सच्ची भावना के साथ वो चीजें होते हुए देखेंगे जो कि आप चाहते हैं अपने फ्यूचर में, तो आप यकीनन खुद को ज्यादा खुश महसूस करेंगे. इससे एक और फायदा होगा कि जब हम अपने फ्यूचर के बारे में जो हमें चाहिए वो सोचेंगे, तो हम वर्तमान में भी वो काम करेंगे जो हमें उस फ्यूचर की ओर लेकर जाता है. The fifth thing which you can do to be more happy is to search the happiness in small little things and take a step towards that. आपको क्या करना है, दिन में कोई ना कोई ऐसी छोटी से छोटी चीज करनी है जो कि आपको खुश करती है. ये कुछ भी हो सकती है. वो 5 मिनट एक्सरसाइज करना भी हो सकता है, 2 मिनट मेडिटेशन करना भी हो सकता है, किसी के साथ बातें करना हो सकता है, या मेरे लिए जैसे कि ये वर्क करता है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना. जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं कुछ अच्छी चीजें पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. इसी तरह से आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई होंगी जिन्हें करके आप खुद को खुश महसूस करते हैं. तो उन चीजों को सर्च कीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और दिन में जरूर एक या दो चीजें ऐसी परफॉर्म कीजिए जो आपको आपकी खुशियों के नजदीक लेकर जाती है. तो ये तो बात हुई उन 5 चीजों के बारे में जो कि हम कर सकते हैं ज्यादा खुश होने के लिए. नाउ आई वांट टू शेयर अ सीक्रेट विद यू. जब भी आपको लगे कि आप उदास फील कर रहे हैं, वेयर येलो ड्रेस. येलो इज द कलर ऑफ ब्राइटनेस एंड सनशाइन. जब भी आप येलो पहनते हैं तो आप खुद को ज्यादा खुश महसूस करते हैं. तो ये तो हुआ मेरा सीक्रेट टिप. अब आपको क्या करना है, हैप्पीनेस गेन करने के लिए हैप्पीनेस स्प्रेड भी करनी है. उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.